नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने झारखंड करेंट अफेयर्स का 10 या 9 या 8 सीरीज किया था कंप्लीट, लेकिन किसी कारण के वजह से वो बीच में स्टॉप हो गया था। आज से हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे उसको और कोशिश करेंगे कि आज से हम लोग कंटिन्यू प्रतिदिन करेंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि एक बार बोझ ना पड़े और झारखंड सीजीएल के एग्जाम में हम लोग सारे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने स्टील शोध टेक्नोलॉजी का मुख्यालय स्थापित करने की हरी झंडी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची। रांची में जो है, झारखंड के रांची शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने स्टील शोध टेक्नोलॉजी का मुख्यालय स्थापित करने की हरी झंडी दी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हो गया झारखंड में रांची। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिस झारखंड 2018 का खिताब किसने जीता? मिस झारखंड 2018 का खिताब ईशा सिंह ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईशा सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी रांची के आसपास 12 गांव को विकसित करेगा। जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो कि हिनू में अवस्थित है, तो वो क्या करेगा, रांची के जो आसपास है 12 गांव को विकसित करेगा। इसके लिए 23 जनवरी 2019 को किसके बीच MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये MOU जो हुआ एयरपोर्ट डायरेक्टर और DC राय महिमापत रे के बीच में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी एयरपोर्ट डायरेक्टर और महिमापत डीसी राय, डीसी महिमापत राय, इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड निवासी किसे छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव बनाया गया? तो झारखंड के वो कौन से निवासी जिनको छत्तीसगढ़ का जो मुख्य सचिव बनाया गया, और इनका आंसर होगा सुनील कुजूर। सुनील कुजूर को छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये हो गया चौथा नंबर में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 29-30 नवंबर 2018। 29-30 नवंबर 2018 को यह संपन्न हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस तीरंदाज ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? हीरा मनी सिंकू, ऑप्शन नंबर ए, हीरा मनी सिंकू ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो छठा सिक्स नंबर का ऑप्शन नंबर ए। नाउ हम लोग अब जो सेवेंथ नंबर देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस आंगनबाड़ी सेविका को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से आंगनबाड़ी वर्कर्स फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स फॉर द ईयर 2017 से सम्मानित किया गया है? और ये है शांति शांति मुर्मू। शांति मुर्मू को 2017 का आंगनबाड़ी वर्कर्स फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स फॉर द ईयर 2017 का अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा शांति मुर्मू। ठीक है, चलिए एट्थ नंबर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, किस आदिम जनजाति के लोगों के लिए पहाड़ पर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ियां जनजाति। ठीक है, चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने आधिकारिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कारों की सेवा आरंभ की है, कब की? 13 सितंबर 2018 को। ठीक है, 13 सितंबर 2018 को झारखंड सरकार ने आधिकारिक उपयोग के लिए, जो है आधिकारिक मतलब ऑफिशियल यूज के लिए, इलेक्ट्रिक कारों की सेवा प्रारंभ की है। किस लिए की है? जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जा सके, ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल किया जा सके, पॉल्यूशन कम किया जा सके, इन सब कारणों से ये शुरुआत की गई है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेदपुर पूर्वी सिंभू के, सिंभू यहाँ लिखा गया, ये एक्चुअली पूर्वी सिंभू होगा, तो हाल ही में जमशेदपुर ब्रैकेट में पूर्वी सिंभू के किस कॉलेज को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, और इसका आंसर है किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों, 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, और इसी तरह पर डे भी अगर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं झारखंड करेंट अफेयर से रिलेटेड, तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे और मोस्टली करेंट अफेयर्स हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो करेंट अफेयर्स कैप्चर करना, उसको उससे नंबर पकड़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल के समय में, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रतिदिन हम लोग करेंगे करेंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, या फिर कहीं और भी किसी और मीडियम से आप शेयर कर सकते हैं।